नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। प्रेजेंट टाइम में अगर हम किसी पर्टिकुलर गाड़ी के सबसे ज्यादा एक्सीडेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो का नाम टॉप पर आता है। बहुत मुश्किल से ही कोई ऐसा दिन बीतता है जिस दिन मुझे इस गाड़ी के एक्सीडेंट की डिटेल्स ना मिलती हो। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस गाड़ी के ज्यादातर एक्सीडेंट्स ड्राइवर की लापरवाही की वजह से देखे गए हैं। मतलब स्कॉर्पियो से लोग आराम से नहीं चलना चाहते हैं, क्योंकि आराम से चलकर इसमें भौकाल मेंटेन नहीं होता है। आज भी मैं आपको इसी एसयूवी का एक एक्सीडेंट दिखाने वाला हूँ, जो बिहार से मिस्टर दिव्यांशु जी ने मुझसे इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। ये एक्सीडेंट रिसेंटली बिहार के मधुबनी में किसी जगह पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कॉर्पियो से 5 लोग कहीं जा रहे थे, तभी ड्राइवर को अचानक से झपकी आ गई, जिसके बाद उसका कंट्रोल स्टीयरिंग पर से छूट गया और गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ में घुस गई। यहाँ पर एसयूवी की स्पीड कितनी थी वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट देखकर ऐसा लग रहा कि इसकी रफ्तार ज्यादा ही रही होगी। पेड़ से लड़ने की वजह से गाड़ी का फ्रंट बीच से पूरा अंदर घुस गया है और इसका बोनेट, बम्पर, रेडिएटर, ग्रिल वगैरह भी डैमेज हो गया है। हालांकि स्कॉर्पियो के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे, इसी वजह से अंदर बैठे पैसेंजर्स को बिल्कुल भी चोटें नहीं आई, वो सेफली बाहर आ गए। यहाँ पर जो भी हुआ उसमें ड्राइवर की लापरवाही थी। अगर आपको नींद या थकान वगैरह कुछ लग रहा हो तो ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल भी ड्राइविंग मत करें, क्योंकि अगर आप नींद में रहेंगे तो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में डालेंगे। इसीलिए थोड़ा सा रेस्ट लेकर और फ्रेश होकर ही गाड़ी की स्टीयरिंग पकड़ें। तो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।